छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर वर्तमान में कौन क्या है नवीनतम पदाधिकारी जो आपके सीजी व्यापम पीएससी जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर करेंगे जो वर्तमान के पदाधिकारी हैं, है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ से क्वेश्चन करेंगे 7 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। ठीक है, कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। वीडियो आपको पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो डेली वीडियो को आप इंतज़ार करते रहिएगा। चलिए देखते हैं, विश्वभूषण हरिचंदन है, इसके क्रम कौन से हैं ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो विश्वभूषण हरिचंदन जो है आपके 90वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं जी? 90वें क्रम के, है ना। और छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे, तो छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल आपका दिनेश नंदन सहाय, DN सहाय, छत्तीसगढ़ के पहले प्रमुख राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल अगर एग्जाम में पूछा जाए, दिनेश नंदन सहाय जी हैं। और देखिए यहाँ पर जो अनुसुईया उइके थे, इसके पहले राज्यपाल थे, जो कि अभी हाल ही में कहाँ के राज्यपाल हैं? मणिपुर के। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग नोट करते चलिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री। आप सभी को मालूम होगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो कमेंट करके आप सभी बताइएगा। कौन है? अरुण साव, विजय शर्मा, विष्णु देव साय, भूपेश बघेल। तो कौन सा हो जाएगा जी इसका आंसर? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर हो जाएगा जी विष्णु देव साय जी हैं, इसका आंसर सी होगा। और विष्णु देव साय, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे विष्णु देव साय जी हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेश बघेल जी। कौन से क्रम के? तीसरे क्रम के जी। अभी कौन से क्रम है विष्णु देव साय? चौथे क्रम के। ठीक है, ये आपके चौथे क्रम के, ये तीसरे क्रम के थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे पहले, है ना, तो पहले मुख्यमंत्री थे आपका अजीत, मैं आपको इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये वाला इसको, चलिए एक, तो यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ के पहले प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए, प्रथम मुख्यमंत्री तो आपका अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी है। कौन है? अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी है। अगर देखिए पहले नंबर पे, अगर सेकंड नंबर में पूछा जाएगा तो कौन है जी, तो सेकंड नंबर में आपका आ जाएगा डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह हैं, वो भी लगातार तीन बार मुख्यमंत्री बने हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीन बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 4, 5, 6, तो छठवा। तो अभी कौन से विधानसभा चल रहा है? छठवा जी, छठवें विधानसभा क्रम के अगर मुख्यमंत्री बोला जाए विधानसभा के, तो विष्णु देव साय हैं, है ना। तो याद रखना, इतना सारा क्वेश्चन यहाँ से बना। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखेंगे इसी में विष्णुदेव साय देखें, जो कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेश बघेल, तीसरे क्रम के, ये चौथे क्रम के। पहले क्रम के आपका अजीत प्रमोद कुमार जोगी हैं, और आपका दूसरे क्रम के लगातार तीन बार बने हैं वो आपके डॉक्टर रमन सिंह हैं। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में आपका मुख्यमंत्री है, ये आपके विजय शर्मा है, और ये आपका अरुण साव जी। तो अरुण साव जी कहाँ के? अरुण साव और विजय शर्मा दोनों क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं। कौन है? उप मुख्यमंत्री। तो अरुण साव जी आपको लोरमी से संबंधित रखते हैं, जबकि विजय शर्मा आपको कवर्धा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर आपको मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो निम्न में से कौन है जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? तो हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है रमेश सिन्हा जी। ये तो सभी को मालूम होगा, लेकिन कौन से क्रम के हैं जी? तो ये आपका 15वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 15वें क्रम के। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। कम से कम इस वीडियो में अधिक से अधिक लाइक आना चाहिए, आप सभी का परफॉर्मेंस आना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे, है ना। और जो हॉस्टल वार्डन, PSC और ADO और प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। हमने अभी देखा हाल ही में छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है,
तो ये आपका रमेश सिन्हा जी है 15वें क्रम के, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बोला जाएगा डब्ल्यू ए शशांक जी, यानी कि डब्ल्यू ए शिक्षक शीर्षक यानी कि डब्ल्यू ए शशांक जी हैं, ठीक है। और वाई वी चंद्रचूड़ कौन है, तो वाई वी चंद्रचूड़ यहाँ पर आपका नीति आयोग के अध्यक्ष जो क्वेश्चन किए थे ना, वहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं आपका कौन है, नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष आपका सुमन बेरी जी। पहले कौन थे इसके, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार थे, ठीक है। अभी कौन बनाए हैं, सुमन बेरी जी है, ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष मतलब नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 20 जनवरी 1950 को, तो नीति आयोग से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चौथा है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ प्रशासन में वर्तमान मुख्य सचिव हैं, तो कौन है जी वर्तमान मुख्य सचिव, आप देख पा रहे होंगे ये आपका डायग्राम है, तो वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी हैं। कौन है, अमिताभ जैन, और क्रम भी पूछा जाता है तो वो 12वें क्रम के हैं। तो 11वें क्रम के कौन थे जी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव आपका अरुण कुमार जी हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 11वें क्रम के मुख्यमंत्री सॉरी 11वें क्रम के सचिव कौन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन में वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP, तो जितने भी यहाँ से क्रम से पूछते हैं मैं वही टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आपने पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं उनको तो बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन में वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है जी, DGP कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर होगा कौन है जी, मोहन शुक्ला नहीं है जी, क्या पूछे वर्तमान में पूछा गया, वर्तमान में DGP अशोक जुनेजा, कौन है अशोक जुनेजा, कौन से क्रम के हैं जी, तो ये आपके 11वें क्रम के हैं। और छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन में प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ला है, ये पहला में होगा, ये अभी 11वां में होगा अशोक जुनेजा जी, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में 3 चित्र दिखाया गया है ना, चीफ इलेक्शन ऑफिसर छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन सा है जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, तो आपका रीना बाबा साहेब कांगले जी हैं, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, क्या होगा, रीना बाबा साहेब कांगले जी, ठीक है। ऐसा याद रखना, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो रीना बाबा साहेब कंगाले, ठीक है। ये जो राजीव कुमार हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं, ठीक है। पी दयानंद कौन है, तो पी दयानंद आपका सचिव जी हैं, किसके सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव है पी दयानंद जी, ठीक है। और ठाकुर राम सिंह कौन जी हैं जी, देखिए सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न हैं इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठाकुर राम सिंह जी हैं वो आपके, ठीक है जी, ठाकुर राम सिंह जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जी हैं, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है जी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 7वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं जी, तो विधानसभा में पूछ क्या पूछ रहे हैं, वर्तमान में अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो रामविचार नेताम, चरणदास महंत, डॉक्टर रमन सिंह और राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, क्या है जी कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको मालूम है तो, नहीं है तो वीडियो को देखते रहिएगा, हम आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष जी हैं आपका डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, इसको बनाया गया डॉक्टर रमन सिंह को, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी क्या है, तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, पहले नंबर के, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी हैं। और साथ ही यहाँ पर आप याद रखिएगा कि चरणदास महंत हैं नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है। तो चरणदास महंत कौन है जी, तो नेता प्रतिपक्ष हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक्स में, ये जो ऑब्जेक्टिव बनाया हूँ इसी में बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जी, ठीक है। राम विचार नेताम आप सभी को मालूम होगा, राम विचार नेताम प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है जी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जो होता है उसको शपथ
दो बार लेते हैं जी, एक तो बतौर वाला और जो अभी दो बार हो गए, एक तो लोकसभा में एक तो विधानसभा में, दोनों में शपथ दिलाएंगे जी। लेकिन जो स्पीकर होता है, जो स्पीकर होता है उसको शपथ ग्रहण नहीं करते। एग्जाम में पूछ सकता है जी, संविधान का क्वेश्चन है तो किसे मतलब शपथ नहीं दिलाया जाता, तो स्पीकर एक ऐसा है जिसको शपथ नहीं दिलाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन बना। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल पहले विधानसभा का अध्यक्ष है, वर्तमान में आपका डॉक्टर रमन सिंह है। चरणदास महंत कौन है जी, तो चरणदास महंत आपका हो जाएगा नेता प्रतिपक्ष, आपको बताया अभी। और राम विचार नेता कौन है जी, तो प्रोटेम स्पीकर। कौन है? प्रोटेम स्पीकर। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोगों का कमेंट करने का हम इंतज़ार करेंगे। और आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि हमारा परफॉर्मेंस आपको पसंद आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लेकर आएंगे, पार्ट टू वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो पार्ट टू ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो बस इतना ही। और छत्तीसगढ़ की क्लास और कंप्यूटर की क्लास हॉस्टल वाड़ाने का कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और लाइव क्लास 7:30 से 8:30 बजे लिया जाता है, अगर आपको लाइव क्लास आना है तो 7:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।